त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन 3 सालों में त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए सीएम सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आदेश दिया है। इस संबंध में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अपने 3 सालों के कार्यकाल में बिना भेदभाव के विकास कार्य किया है। विकास के मसलों में हमने कहीं कोई भेद नहीं किया है। हमारे पास अगर वहाँ की कोई योजना आई है तो हमने उसको उस पर यथासंभव प्रयास किया है कि वहाँ पर भी डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि हम 57 विधायक भाजपा के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, मिनिस्टर सारे प्रदेश के होते हैं, और विधायकों का भी काम है कि वो जो नीति निर्धारण हम करते हैं, जो कानून हम बनाते हैं, हम पूरे राज्य के लिए बनाते हैं। और इसलिए सभी विधानसभाओं में ये प्रोग्राम होंगे और हमने किस विधानसभा में राज्य सरकार ने क्या किया है उसके बारे में बताएंगे। जो वायदे हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से किए थे, उन वायदों पर हम कितना कर पाए हैं, हम जनता को उसका हिसाब। इस दौरान मुख्यमंत्री व 3 सालों में जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का सीधे प्रसारण के माध्यम से अवलोकन करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।